गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन और आज का मेरा टॉपिक है, क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, देखिए, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ साइड बेस 30 mm एंड हाइट 75 mm। तो हेक्सागोनल पिरामिड आपको बनाना है जिसका बेस क्या है 30 mm, 30 mm दिया हुआ है और हाइट कितना है 75 mm। तो हम लोग किस प्रकार से हेक्सागोनल पिरामिड को बनाएंगे ये आज हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे और सबसे पहले दो बेस लाइन खींचेंगे। इस प्रकार से दो बेस लाइन खींचेंगे, दो बेस लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर के भाग से 30 डिग्री पहले खींचेंगे। इस प्रकार से 30 डिग्री खींचेंगे, तो ये क्या करेंगे, हम इसको 30 डिग्री में जब खींचेंगे तो ये 30 mm का खींच लेंगे, 30 mm और 30 डिग्री खींचना है। इधर हम 20 mm खींच देंगे, ये भी होगा आपका 30 डिग्री में ही, तो ये 20 mm और इधर हो गया 30 mm। अब इसको क्या करना है, यहां पे जो पॉइंट आया आपका, ये पॉइंट आएगा और यहां पे इस पॉइंट को क्या करना है, इसको भी 30 डिग्री खींचना है। इस प्रकार से बिल्कुल एक थिन लाइन में डार्क नहीं करना है आपको। फिर क्या करना है, इधर से भी आपको 30 डिग्री खींचना है। इस प्रकार से ये आपका क्या बन जाएगा, क्रोमबस बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, ये जो 20 mm दिया है इसको हम मिडिल पॉइंट ले लेंगे और जो ये 30 mm है इधर से हम 5 mm और इधर से भी 5 mm माइनस कर देंगे और इधर से भी क्या करेंगे 5 mm और इधर से भी 5 mm। इस प्रकार से हम लोग पॉइंट लगा देंगे और ये जो है ये 20 है, दोनों आमने सामने पूछा क्या बराबर है, तो ये 20 है, 20 को हम क्या करेंगे हाफ कर देंगे। तो अब देखिए ये सेंटर निकल गया, 20 का आधा ये हम कर दिए, इसका भी 20 का आधा हो गया, सेंटर निकल गया। अब हमको क्या करना है, हेक्सागोनल पिरामिड को बनाना है। देखिए किस प्रकार से, पहले ये दोनों सेंटर को बिल्कुल थीन लाइन में मिला देना है ऐसे। अब ये जो भाग है ये वाला पॉइंट को यहां पर मिलाना है, ये वाला पॉइंट को यहां पर मिलाना है। तो किस प्रकार से मिलाएंगे, जो फ्रंट पे रहेगा, जो आगे रहेगा उसको हम डार्क करेंगे और जो पीछे रहेगा उसको हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम डार्क करेंगे, ये वाला भाग को, फिर इस भाग को डार्क करेंगे, फिर आपका ये वाला भाग डार्क हो जाएगा, फिर ये भाग आपका क्या होगा, डॉटेड जाएगा, फिर ये वाला भाग भी आपका डॉटेड हो जाएगा इस प्रकार से, और ये वाला भाग भी आपका क्या होगा, डॉट होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये तो हो गया आपका 30 mm बेस वाला, लेकिन एंड हाइट इसमें दिया हुआ है, एंड हाइट कितना है 75 mm दिया हुआ है, तो इसको ऊंचाई क्या करना है, हमको 75 mm लेके जाना है। किस प्रकार से लेके जाएंगे, देखिए सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे, ये टोटल कितना है 30 है, तो इधर से 15 मापेंगे, ये सेंटर निकल जाएगा। सेंटर निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री में ऊपर की ओर खींचेंगे, बिल्कुल ही थिन लाइन और 90 डिग्री इस प्रकार से थिन लाइन खींच देंगे। कितना एमएम खींचेंगे, इसका लंबाई कितना होगा, तो ये पॉइंट से सेंटर से 75 mm होना चाहिए। मान लेते हैं कि यहां पर हुआ मेरा 75 mm, तो इस प्रकार से हम 75 mm खींच देंगे। अब देखिए आगे वाला जितना डार्क किया हुआ है उस पॉइंट से, अगर उस पॉइंट को आप मिलाइएगा तो आपको डार्क करके मिलाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो भाग है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामने वाला भाग सबको मिला देंगे, जैसे ये भाग है इसको हम क्या करेंगे डॉट लाइन पे मिला देंगे, ये देखिए, फिर इसको भी क्या करेंगे हम डॉट लाइन पे मिला देंगे, पीछे वाला भाग जो होता है उसको डॉट लाइन से मिला देंगे क्योंकि पीछे वाला भाग आपको दिखेगा नहीं।
फिर आपको क्या करना है, ये जो होगा इस प्रकार से थोड़ा सा जाएगा, ये वाला भाग को बिल्कुल डार्क कर देना है आपको। फिर आपको ये वाला भाग मिलाना है, देखिए बिल्कुल डार्क करना है, फिर इस भाग को भी आपको डार्क करना है, और आपको इस भाग को भी डार्क करना है। तो और ये सब जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम क्या करेंगे, बाद में मिटा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, हेक्सागोनल पिरामिड आपका बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सरल तरीका से क्या कर सकते हैं, हेक्सागोनल पिरामिड को आसानी से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।